3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग में 3 अक्टूबर की सुबह 10 बजे अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री सोलंग वैली में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज हम आपको इस टनल की विशेषताएं बताएंगे, साथ ही सोलंग वैली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 वर्ष पुरानी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाएंगे। जी हाँ, 23 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सोलंग वैली आए थे, तब उन्होंने, देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, और यहां पर उन्होंने पैराग्लाइडिंग भी की थी। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि ये तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 23 वर्ष पुरानी एक्सक्लूसिव तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी की पैराग्लाइडिंग करते तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर। आपने प्रधानमंत्री मोदी के कई अनोखे अंदाज देखे होंगे, आपने प्रधानमंत्री की K9 वज्र में बैठे पराक्रमी तस्वीर देखी होगी, आपने प्रधानमंत्री को सेना की ड्रेस में लद्दाख में चीन के खिलाफ हुंकार भरते सुना है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री को कभी पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर 23 वर्ष पुरानी है। ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रभारी थे और सोलंग घाटी पहुंचे थे। तब उन्होंने सोलंग घाटी में पैराग्लाइडिंग की और उस समय मोदी के पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर थे बुद्धि प्रकाश। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका, बहुत लीडर थे जी, एडवेंचर का बहुत शौकीन था उन्होंने जी, और काफी खुश थे वो पैराग्लाइडिंग करते हुए। वो यहाँ का कल्चर के बारे में पूछ रहे थे और हमारी फैमिली के बारे में, क्या करते हैं आप लोग, और दूसरा एडवेंचर का उन्हें बहुत ही शौक था। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बुद्धि प्रकाश बताते हैं कि पैराग्लाइडिंग के समय वो जरा भी नहीं डरे थे, बल्कि उन्होंने तो बुद्धि राजा से ग्लाइडर को और ऊपर ले जाने की इच्छा जताई थी। उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगा, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उनका इच्छा थी कि वो और लंबा फ्लाइंग करे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो सोलंग वैली जाएंगे और इसी सोलंग वैली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार मौका भी खास है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली अटल टनल के उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 3 तारीख को सोलंग वैली दोपहर 1:15 पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं सोलंग वैली के ग्राउंड पर हूं और यहां की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहां पर देश के प्रधानमंत्री जो है वो संबोधन करेंगे। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इस टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। अब हम आपको अटल टनल की विशेषता बता देते हैं। तो अटल सुरंग जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है ये। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। दिखने में इसके आकार की बात करें तो घोड़े के नाल के आकार की ये है। सिंगल ट्यूब और इसके अंदर डबल लेन टनल है ये। इसके अलावा प्रतिदिन 3,000 कारें इस सुरंग से गुजर सकती हैं। तो सोचिए जरा, प्रतिदिन यानी हर रोज 3,000 कारें इस सुरंग से होकर गुजर सकती हैं। कारों की स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति होगी। 1500 ट्रक प्रतिदिन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। वेंटिलेशन सिस्टम, रोशनी और निगरानी प्रणाली है इसमें। इसके अलावा 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहेगी। मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ेगी। इसके अलावा 6 महीने बर्फबारी से घाटी का संपर्क कट जाता था, तो उस लिहाज से ये टनल काफी अहम है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.